नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। पुल का धसा अप्रोच, मौत को दे रहा दावत, कभी भी हो सकता है आवागमन बाधित। तमाम राहगीर उक्त जगह पर गाड़ी से अब तक गिर चुके हैं, जिनमें एक की मौत होना बताई जा रही है। जी हां, महाराजगंज जनपद के गड़ौरा बाजार में निचलौल ठूठीबारी संपर्क मार्ग पर स्थित मलाव पर बना काफ़ी पुराना पुल जर्जर की हालत में हो गया है और उत्तर दिशा में अप्रोच बाढ़ आने की वजह से काफ़ी धस चुका है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताते चलें कि इस साल बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि पुल के अप्रोच को काट दिया, जिसके कारण काफ़ी हद तक अप्रोच धंस चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई लोग वहाँ गिरकर घायल हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले एक युवक गिर गया था, जिसके सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत होना बताई जा रही है। पुल मुख्य सड़क पर होने के बावजूद अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसी तरह रहा तो दो चार दिनों में आवागमन बाधित भी हो सकता है। इस संबंध में गड़ौरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र गुप्ता, भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़जा निवासी जितेंद्र पांडे, डॉक्टर राजेंद्र पटेल, गड़ौरा से क्षेत्र पंचायत सदस्य सूरज मधेसिया आदि ने बताया कि पुल काफ़ी पुराना है और इस बार बाढ़ के पानी का बहाव तेज होने की वजह से पुल का अप्रोच कट गया है, जिसके कारण अप्रोच नीचे की तरफ धंस रहा है। यदि तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुआ तो दो चार दिनों में आवागमन बाधित हो जाएगा। देश विदेश जाने का यह मुख्य सड़क है। इन लोगों ने तत्काल शासन प्रशासन से मांग किया है कि समय रहते कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। पुल का अप्रोच बनवाने के लिए आज आम आदमी पार्टी के सिसवा विधानसभा अध्यक्ष जाहिद अली ने अतिशीघ्र अप्रोच बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं संघ विरोध प्रदर्शन किया और अविलंब धसे अप्रोच को सही कराने की मांग की है। देखें इस रिपोर्ट में।